आयुष डॉक्टर खुराना, आपका ये सोलर प्लांट का मॉडल रेडी तो है ना? अयो मिस्टर मेहता का सामने हम लोग का इज्जत का सांबर चटनी नहीं होना चाहिए जी। डोंट वरी, आप मिस्टर मेहता को आने तो दीजिए, मैं उन्हें इस प्लांट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। वाओ डॉक्टर खुराना अंकल, आपने ये मॉडल कितना एक्यूरेट बनाया है। वन वर्ड में कहें तो ब्रिलियंट। थैंक यू किको और ट्विंकल। ब्रिलियंट से भी ज्यादा ब्रिलियंट, सुपर डुपर ब्रिलियंट। इसी बात पे कुछ ब्रिलियंट वाली कैंडीज खा लेता हूँ। गेम ऑन। अब किको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है किस चीज का मॉडल। टोनी, ये एक सोलर प्लांट का मॉडल है। जब ये प्लांट शुरू होगा तब सन सिटी में सन की लाइट से, यानी कि सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। हाँ, पता था मुझे, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें पता है या नहीं। कंगारू का बच्चा खुले मैदान में कूदता है, टोनी बॉस ऑल द टाइम बस फेंकता है। अब कोई शरारत नहीं करेगा, वो देखो मिस्टर मेहता आ गए। आज अगर उन्हें हमारा ये सोल मॉडल पसंद आ गया तो इस प्लांट को बनाने के लिए सारे पैसे वो खुद लगाएंगे। उरी मुरी मदर, कितनी सारी कार्स आ रही है यहाँ पर। डोडो, मिस्टर मेहता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा उनकी सिक्योरिटी कॉन्वॉय भी रहती है। Leave them guards, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ईश मिस्टर मेहता, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, आप लोग कैसे हैं? आयो, हम लोग फाइन तो है पर फिट नहीं, इन शॉर्ट वी आर फैट एंड फाइन। वो दीदी कौन है? वो तानिया दीदी है, मेहता अंकल की डॉटर। मगर वो इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? हो सकता है एग्जाम अच्छे ना गए हो। टोनी बॉस, सबको अपने जैसा मत समझो। हेलो तानिया बेटा, कैसे हो तुम? लगता है तानिया बेबी का मूड ठीक नहीं है आज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आप लोगों से पहली बार मिल रही है ना, इसलिए। बेटा अंकल को हेलो बोलो। ईश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब मन करे तब बोल देना। आइए मैं आपको सोलर प्लांट का मॉडल दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सोलर प्लांट का डेमोंस्ट्रेशन। ईश मम्मी, ये ड्रोन किधर से आया? कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है? एक मिनट, फायर मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ये तो एक नॉर्मल ड्रोन है, पर ये आया कहाँ से? तानिया कहाँ गई? पता है टीचर ने आज सरप्राइज टेस्ट रखा था और फिर हाँ? कहीं तानिया को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ,
नहीं मेयर अंकल, अगर तानिया दीदी किसी डेंजर में होती तो मेरी R7 जरूर ब्लिंक करती। तो तानिया आखिर है कहाँ? ईश, चलो हम सब मिलके तानिया को ढूंढते हैं। हाँ, बस कुछ देर में पहुँच जाऊंगी, मेरे लिए वेट करना। ओके तानिया, हम बस स्टॉप पर ही हैं, तुम बस जल्दी जल्दी आ जाओ। आप यूं भाग क्यों रहे थे? कहीं पहुंचने की जल्दी है क्या? हाँ अंकल, क्या आप मुझे आके बस स्टॉप तक छोड़ सकते हैं? मेरी फ्रेंड्स वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी सही जगह तक पहुंचाना। आओ अंदर बैठ जाओ। थैंक यू अंकल। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी तानिया दीदी खतरे में है। ईश, अब क्या होगा? किको, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। किको, प्लीज मेरी बेटी तानिया को सेफली मेरे पास ले आओ। डोंट वरी अंकल, आई प्रॉमिस मैं तानिया दीदी को कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल, अब जब किको ने प्रॉमिस किया है तो आप 2 words में हो जाइए टेंशन फ्री। मेयर अंकल, आप झटपट अंकल के मोबाइल फोन पे कॉल करके उनसे कहिए कि वो सनसिटी की रोड्स पर ब्लॉकेज लगा दे, तब तक मैं तानिया दीदी को ढूंढता हूँ। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। मेहता अंकल की डॉटर तानिया दीदी किसी खतरे में है, R7 नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है, जल्दी चलो। श्योर ब्रो, लेट्स गो। हमारे होते सन सिटी में किसी पे आंच नहीं आ सकती। तुम लोग भी सन सिटी में फैल जाओ और तानिया को ढूंढो। अंकल प्लीज कार रोकिए। ओके, पर क्या हुआ? वो सामने चेकिंग हो रही है। मैं एक्चुअली अपने पापा से छुप के भाग रही हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा सकूँ। मगर तुम यूँ भाग क्यों रही हो? तुम्हें अपने पापा से परमिशन लेके दोस्तों के साथ जाना चाहिए। क्योंकि वो मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते, हर वक्त गार्ड साथ में होते हैं। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे आके किडनैप ना कर ले। मैं कुछ दिनों के लिए चुपके से भाग के अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। पर तानिया, तुम्हें अपने पापा की बात सुननी चाहिए थी। यूं अकेले भाग कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको मेरा नाम कैसे पता? और गलती कर दी मतलब? तू किडनैप कर हो जाऊं उड़नछू। मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में और भी कई चीजें मालूम है। कई दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। पर क्यों? ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हें किडनैप कर सकूं और बदले में तुम्हारे पापा से फिरौती में ढेर सारे पैसे ऐंठ सकूं। पानी में मिले नींबू के रस को शरबत कहते हैं और किडनैपिंग होते ही जो मुजरिम को पकड़े उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, मोर और मोरनी के बच्चे को किसने छीना? मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि हम यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शौक से लीजिए। सॉरी,
मगर झटपट सर शौक से सिर्फ समोसे लेते हैं, इसलिए तलाशी मैं लूंगा। सो प्लीज कोऑपरेट। कार में कोई नहीं है सर। तो किडनैप कर हो जाओ, उड़ा छू। गुड मॉर्निंग अंकल, सॉरी इस तरह आपका रास्ता रोकने के लिए, पर हम लोग एक्चुअली किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लो देख लो, मेरे अलावा कोई नहीं है कार में। कार के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन R7 तो अब भी ब्लिंक कर रही है। ये डिक्की से कैसी आवाज आ रही है? अंकल क्या मैं आपकी डिक्की चेक कर सकता हूँ? Why not? Sure. मैं यहाँ से डिक्की खोल देता हूँ, तुम जाके देख लो। तो किडनैप कर हो जाऊं, उड़न छू। सुपर स्पीडो, जल्दी से फॉर्मूला नंबर 79 लगा के खुद को ऑटो रिपेयर मोड में डालो और उड़न छू का पीछा करो। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 79। किको, तुम कहो तो उस कार को मैं अपने मिनी रॉकेट से उड़ा दूं? नहीं सुपर स्पीडो, क्योंकि उस कार की डिक्की में तान्या दीदी भी है, उन्हें चोट लग सकती है, हमें फॉर्मूला नंबर 192 लगाना होगा। कूल आइडिया ब्रो, मैं अभी फॉर्मूला 192 लगा के उस गाड़ी के टायर्स को फुस कर देता हूँ। बच्चे ये कोई मामूली टायर्स नहीं है, इन्हें पंचर करना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो किडनैप कर हो जाऊं उड़न छू। ये तो मेरी कार की डिक्की से मैग्नेट की तरह चिपक गए हैं, लगता है इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे डिक्की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। किको, उड़नछू की कार तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, अब क्या करें? तानिया दीदी डिक्की में बंद है, तुम डिक्की वाले हिस्से का पीछा करो। स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 12 लगा के उस कार की डिक्की तक मुझे पहुंचाओ। अभी लोकी को, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 12। किको, मुझे किडनैपर का कॉल आया था, उसने 2 घंटे के अंदर ढेर सारे पैसे मुझसे मांगे हैं, तभी वो तानिया को छोड़ेगा। ईश, अगर आप पैसे एक किडनैपर को दे देंगे तो फिर हमारे सोलर प्लांट में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सॉरी मेयर, मगर फिलहाल मेरी बेटी को बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। भाइयों किको, कुछ करो वरना सोलर प्लांट शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा जी। नहीं मेहता अंकल, किसी की रॉन्ग डिमांड को पूरी करना भी रॉन्ग है। यस यस, रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। डोंट वरी अंकल, मैं और किको 2 घंटे पहले ही किडनैपर्स के अड्डे का पता लगा के तान्या को छुड़ा लेंगे। पार्टनर, मैंने जोश में बोल तो दिया, मगर अब हम तान्या को ढूंढेंगे कैसे? हमें किडनैपर के बारे में कुछ भी पता नहीं। हमें किडनैपर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता,
मगर ये जरूर पता है कि वो एक बहुत ही अच्छा और फास्ट ड्राइवर है। हो ना हो वो जरूर कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करता होगा। और कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जिसका मेंबर बनना पड़ता है उसे दो वर्ड्स में कहते हैं रेसिंग क्लब। सर ये तानिया मैडम के फ्रेंड्स हमें लगेज के साथ बस स्टॉप पे मिले। बच्चों तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। प्लीज भैया आप जो भी जानते हैं हमें वो बताइए ताकि तानिया दीदी को ढूंढने में हमें मदद मिल सके। ठीक है मैं सब बताती हूँ। एक्चुअली तानिया हम लोगों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके पापा बिना सिक्योरिटी के उसे कहीं नहीं जाने देते, इसीलिए वो चुपके से हमारे साथ आने वाली थी। ओके, यानी इसीलिए तानिया दीदी ने पहले वो ड्रोन उड़ाकर हमारा ध्यान भटकाया, फिर मौका देखकर वो भाग गई, और फिर रास्ते में उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा तो आप लोग जब तानिया दीदी से मिलते थे तो क्या कभी आपको लगा कि तानिया दीदी का कोई पीछा कर रहा है? हम लोग अक्सर शाम को कोल्ड कॉफी पीने के लिए तानिया से मिलते थे, साथ में उसके गार्ड्स भी होते थे, मगर ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई अरे हाँ एक अंकल थे जो हर शाम को उसी टाइम आते थे जब तानिया आती थी। क्या उन्होंने कभी आप लोगों से कोई बात की? उनका नाम या कोई फोटोग्राफ? उन्होंने हमसे कभी कोई बात तो नहीं की, मगर दूर बैठकर वो चुपचाप तानिया को घूरते रहते थे। उनकी एक फोटो भी है मेरे पास, ये देखो। एक बार हम लोग सेल्फी ले रहे थे तो बैकग्राउंड में वो भी आ गए। उड़न छूने तो ईगल रेसिंग क्लब की कैप पहनी हुई है। सुपर स्पीडो लेट्स गो। शायद ईगल रेसिंग क्लब में जाके हमें कोई लीड मिले। वेरी गुड किको, मैं पीछे से अपने और गार्ड्स भेजता हूँ। पार्टनर मुझे लगता है कि अंदर जाने से पहले जरा अंदर का नजारा ले लें। सही कहा सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 29। यस ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 29। तानिया दीदी को इन लोगों ने अंदर कैद कर रखा है। सुपर स्पीडो तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ इन्हें। तो कीको यहाँ तक तो आ गए मगर वापस कैसे जाओगे? मैं तो जाऊंगा ही, साथ में तानिया दीदी को भी सेफली लेकर जाऊंगा। मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज तानिया दीदी को छोड़ दीजिए। उसकी छोड़ो, अपने बारे में सोचो, आज तुम्हारी खैर नहीं कीको। उड़नछू तानिया दीदी को लेकर पीछे से भागा है, जल्दी से उसका पीछा करो। हाँ?
स्पीडो फॉर्मूला नंबर 138। ओके गो एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 138। किडनैप कर हो जाऊं उड़न छू। अब लगता है मुझे अपनी ओके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कीको एंड सुपर स्पीडो थैंक यू सो मच। अब मैं सोलर प्लांट में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच मेहता जी। हाँ हाँ हाँ।